बेबी जूस। थैंक यू बेबी। साहब इसे मत पीना। बदतमीज कहीं का, ये क्या किया तूने? सारा का सारा जूस गिरा दिया हमारा। अब ओए तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने जूस क्यों गिराया? साहब आप ये जूस मत पीना साहब। एक मिनट, क्या बोल रहा है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई है जूस गिराने की? क्यों गिराया तूने जूस? सच सच बता दे मुझे। साहब ये जूस ठीक नहीं है, इसमें कुछ ना। जूस गिरा दिया, एक तो तूने हमारा ऊपर से यहाँ जवान लड़ा रहा है। साहब मैं बता दूं आपको उसमें क्या था? अबे ओ भिखारी, बहुत हो गया तेरा, बहुत देर से देख रही हूँ कुछ भी बोले जा रहा है। हद होती है किसी चीज की, ना हम तुझे जानते ना तू हमें जानता है। बकवास करे जा रहा है, पागल है इसीलिए छोड़ रहे हैं। जा जाके अपना काम कर ले। देखो साहब मैं आपको बता रहा हूँ, आप संभल के रहिएगा वरना ये लड़की। तेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? दो कौड़ी के भिखारी, तब से देख रही हूँ तू मेरे यहाँ पे खड़े होके बेइज्जती करे जा रहा है। देख चुपचाप चले जाए यहाँ से, वरना मार मार के तुझे अपाइस बना दूंगी, फिर लोग दया खा के तुझे और भीख देंगे। चलो मैं भी यहाँ से चलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी हमारा टाइम वेस्ट करने। चलो अभिषेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ यहाँ से, अगर मेरे हस्बैंड ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यार मैं ऐसे कब तक छुप छुप के मिलता रहूंगा तुमसे, और तुमने उसको अभी तक रास्ते से हटाया नहीं। यार मैंने उसे मारने की पूरी कोशिश की, मेरा प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था, पर एक भिखारी ने आके मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट में उसकी मौत। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर वो मर गया ना तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? अभी मैं कोई बहाने नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी तुम्हें उसकी मौत की खबर सुनाऊंगी, बस मुझ पे भरोसा रखो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, इस पे हमारा राज हो, उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फिलहाल अभी तुम यहाँ से जाओ यार, दिक्कत हो जाएगी अगर वो आ गया तो। ऐसे कैसे जाऊँ, इतनी दूर से मिलने आया हूँ तुमसे मैं। अच्छा बाबा ठीक है, समझ गई मैं, अब जल्दी जाओ। अरे भैया नमस्ते, कैसे हो आप? अरे नमस्ते अर्चित, नमस्ते, क्या बात है, बहुत दिनों बाद दिख रहा है। भैया भाभी ने बहुत सारे चूहे मारने की दवा मंगाई है, आपके घर में ज्यादा चूहे हैं क्या? चूहे मारने की बहुत सारी दवाई मंगाई है, नहीं तो हमारे घर में तो चूहे हैं ही नहीं। साहब अब आपकी जान को खतरा है साहब। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और क्या हुआ है मेरी जान को? असल में बात यह है कि उस दिन वो लड़की आपको मारना चाहती है, मैंने खुद देखा था, उसने जूस में कुछ मिलाया था, अगर आप वो जूस पी लेते तो आपको कुछ हो जाता, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था। साहब वो लड़की आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहती है, मैं वहाँ ये सब बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने मुझे मार के भगा दिया। साहब आप अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा ऐसी बात है क्या, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सच बताया। अच्छा भैया अब मैं चलता हूँ। ठीक है अर्चित। ये मिला दिया मैंने खीर में जहर, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी। अरे शेखर तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। हाँ लाओ ना, वैसे ही बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने बनाई है अपने हाथों से। अरे तुमने अपने प्यारे हाथों से खीर बनाई है तो इस पे सबसे पहला हक तुम्हारा बनता है, तुम खाओ इसे। मैं कैसे खा सकती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, खाओ ना। अरे यार तुम खाओ इसे, लो मैं खिला रहा हूँ तुम्हें, खाओ। नहीं नहीं तुम्हारे लिए बनाइए, तुम खाओ।
अरे खाओ ना यार। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती यार। अरे लो यार तुम खाओ, मैं अपने हाथों से खिला रहा हूँ। मैं नहीं खा सकती। लो खाओ जल्दी खाओ। मैं नहीं खा सकती क्योंकि जहर है इसमें। शेखर। क्या शेखर, क्या शेखर लगा रखी है तुमने बताओ? क्यों किया है सब कुछ? क्या मिला है सब कुछ करके? क्यों मानना चाहती थी तुम मुझे? अरे चुप क्यों हो, बोलोगी क्यों मानना चाहती थी मुझे? नहीं शेखर तुम गलत समझ रहे हो, मैं समझाती हूँ तुम्हें। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी है, चुपचाप बताओ कि क्यों मानना चाहती थी मुझे। अगर सीधे से बता दोगी तो ठीक है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शेखर मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पैसों के लिए की थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये सब मैं अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे कर रही हूँ। वाह बहुत अच्छा प्लान था तुम्हारा और बहुत सही सोचा था तुमने, लेकिन श्वेता तुम्हारी इस सोच ने ना इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अरे औकात नहीं होती है रिश्तों को निभाने की, तो वादे नहीं करने चाहिए। और शादी जैसा रिश्ता जिसमें पति और पत्नी का साथ चलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पति और पत्नी आपस में तालमेल बैठा के साथ नहीं चलेंगे तो पति पत्नी का रिश्ता तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं दोनों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। और यार जब नहीं था प्यार तो नहीं करती ना शादी, क्यों क्यों करे शादी पैसे के लिए? अरे पैसे का क्या है यार, ठीक है पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए किसी के विश्वास को तोड़ देना, किसी की जिंदगी के साथ खेलना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना गलत है। तुम्हें पता है जब इंसान का भरोसा टूटता है तो फिर इंसान के लिए भविष्य में भी किसी पे भरोसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम पे तो जान भी कुर्बान थी, पर अफसोस तुमने तो मेरे जज्बातों का जनाजा ही उठा दिया। खैर मोहब्बत में धोखा तुमने दिया है तो फिर मौका तो तुम्हें मैं भी नहीं देने वाला। अरे पैसा चाहिए था ना तुम्हें, अब मेरी बात सुनो, पैसा तो तुम्हें मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, और साथ ही साथ जिस चीज से तुमने हाथ धोया है ना वो चीज है सच्ची मोहब्बत, समझे तुम? तुम्हारी तो शक्ल तक से नफरत हो गई है मुझे। अरे खड़ी क्या हो यहाँ पे, निकलो यहाँ से। शेखर प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरे को मौका तो दो अपनी बात रखने का। बोला ना निकलो, बोला ना निकल जाओ। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एक पति पत्नी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, पैसा या प्यार? बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है कि रिश्तों में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना पैसों का लालच तो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए कभी भी रिश्तों में पैसों को ना आने दें। अगर रिश्तों में पैसा आता है तो इस चीज को समय से पहले ही जिंदगी से और रिश्तों से बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर पैसा रिश्तों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो रिश्तों को खत्म करके रख देगा। ठीक है पैसे की अपनी जगह एक अहमियत होती है, लेकिन अगर हम पैसे को ज्यादा इन्वॉल्व करने लगे रिश्ते में तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों को खराब ही करता है। इसलिए हमेशा लालच से बचें और रिश्तों की जो गरिमा है उसे क्या कहते हैं बनाए रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फैलाएं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ।